नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे फतेहाबाद ट्रैक्टर मार्केट या फतेहाबाद ट्रैक्टर मेला या फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी, जैसा भी आप बोलना चाहें। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं एंट्री, यहाँ से एंट्री गेट है ये, और इसके अदर साइड वहाँ भी एक गेट है, वहाँ भी एक एंट्री, यानी कि दो रो वहाँ पर रहती ट्रैक्टर्स की। आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा उस साइड, और ये पीछे की तरफ से जो सीन है कुछ ट्रैक्टर्स का रियर से व्यू आप देख रहे हैं। ये दो रो वहाँ पर रहती हैं, और एक इस गेट की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पर भी दो रो रहती हैं। एक ये इस साइड है और ये सेकंड वाली इस साइड है। तो सबसे पहले हम इस साइड से शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं HMT 25Y के बारे में, जो 2008 मॉडल है। 1,65,000 इसकी कीमत की गई है। आप सबसे पहले इसका सामने से एक व्यू देख लीजिए, पुल व्यू या पुल लुक आप जैसा भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। हरियाणा नंबर ट्रैक्टर है ये, 2008 मॉडल है, और 1,65,000 इसकी कीमत की गई है। साइड से व्यू की यदि हम बात करें तो आप इस साइड से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं। यदि आते हैं इसके रियर टायर की तरफ, तो आप रियर टायर को सबसे पहले साइड से देख लीजिए, 12x28 के रियर टायर है। और कंडीशन की हम बात करते हैं तो कंडीशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कंडीशन काफ़ी बेटर है वैसे टायर की। ये प्लेटफॉर्म का व्यू देख लीजिए, और फ्रंट टायर जो हैं 6/16 के फ्रंट टायर हैं। इनकी कंडीशन लगभग 40% के आसपास है, 40% आप इसको बोल सकते हैं। और ये आप इसको इस साइड से भी देख सकते हैं, राइट साइड से भी। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो न्यू होलैंड 3630TX सुपर हमको देखने को मिलता है इसमें, यानी कि 12+3 में है ये। और यदि हम इसके रेट और मॉडल की बात करें तो ये 2013 मॉडल है, और 4,65,000 इसकी कीमत की गई है। यदि हम सामने से एक व्यू की बात करें तो आप इसका सामने से भी व्यू देख सकते हैं। हरियाणा नंबर है ये भी ट्रैक्टर, और साइड से व्यू की हम बात करें तो आप इस साइड से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं। फ्रंट टायर की तरफ हम बढ़ते हैं तो फ्रंट टायर की कंडीशन में एकदम ओके है बिल्कुल, शायद नज़दीक से भी आपको नज़र आ गई होगी। ये देखिए 7/50/16 के फ्रंट टायर, और ये साइड व्यू। और रियर टायर पे हम आते हैं तो 16/28 के रियर टायर हैं, बिल्कुल नए वाले हैं। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से इसका चेक कर सकते हैं। ऑटो मार्केट फतेहाबाद हरियाणा में ये जो मार्केट लगती है, हर संडे को ये मार्केट होती है, हर संडे को लगती है यानी कि। और इन पर ज़्यादातर भाइयों की रिक्वेस्ट रहती है या एक कमेंट रहती है कि प्राइस काफ़ी हाई रहता है, तो मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्राइस मेरी तरफ से नहीं लगाए जाते, मेरी तरफ से वैसे ही नहीं बोले जाते। डीलर्स के द्वारा या ओनर्स के द्वारा जो भी प्राइस लिख दिया जाता है वो हमारे द्वारा बोल दिया जाता है। और वैसे भी लगभग सभी वीडियोज में ये भी बताया जाता है कि किसी भी ट्रैक्टर पे जो प्राइस बोला जाता है वो मार्केट में जो प्राइस होता है कुछ एक्स्ट्रा लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएबल प्राइस लिखा जाता है। 20-25 हज़ार से लेकर कभी कभी तो 40-50 हज़ार तक भी एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है, वो कंडीशन के मुताबिक आप भी समझ सकते हैं। ये सामने जो सोनालिका DI 730 है, इस पर रेट और मॉडल नहीं है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं फार्म ट्रैक सेट की तरफ, जो 2009 मॉडल है, 2,95,000 इसकी कीमत की गई। और सामने यदि हम इसके व्यू की बात करें या फुल व्यू की एक बात करते हैं तो वो भी आप यहाँ से इसकी आसानी से देख सकते हैं, या फुल व्यू आप जैसा भी बोलना चाहें, साइड से भी आप इसका एक बार देख लीजिए। यदि हम बात करें इसके फ्रंट टायर की तो 6/16 के इसमें फ्रंट टायर हैं, कंडीशन एकदम ओके है टायर की। और यदि हम रियर टायर की तरफ इसके आते हैं तो 14/28 के इसमें रियर टायर दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल नए वाले हैं। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से इसका चेक कर सकते हैं। और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको सोनालिका DI 750 थ्रेड देखने को मिलता है। सामने से यदि इसके व्यू की बात करें तो आप इसका सामने से भी एक व्यू देख सकते हैं। और इसके यदि फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर की आप कंडीशन चेक कर लीजिए, एकदम अच्छी कंडीशन के साथ में 80+ में है, 80% से ज़्यादा। 2015 मॉडल ये ट्रैक्टर है, और 4,25,000 इसकी कीमत की गई है। ये साइड व्यू आप इसका देख सकते हैं, राइट साइड की तरफ से है।
यहाँ से आप देख सकते हैं चार सिलेंडर में है ये। और आप इसके रियर टायर की तरफ, तो रियर टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, 70% से ऊपर ही है। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से इसका चेक कर सकते हैं। और इससे आगे यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमको प्रीत 955 देखने को मिलता है, जो 2013 मॉडल है और 2,95,000 इसकी कीमत की गई है। सामने से यदि व्यू की हम बात करते हैं तो सामने से भी आप इसका एक व्यू देख सकते हैं, या एक लुक आप इसकी चेक कर लीजिए। हरियाणा नंबर ट्रैक्टर है ये, 2013 मॉडल है और 2,95,000 इसकी कीमत की गई है। और इसके जो प्लेटफॉर्म का जो फ्रंट टायर है उसकी भी आप कंडीशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन है फ्रंट टायर की। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू आप देख लीजिए, रियर टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। तीन सिलेंडर में है ये प्रीत 955। और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको स्वराज 855 FE देखने को मिलता है, फोर स्टार। यदि हम बात करें सबसे पहले इसके फ्रंट टायर की, तो 750/16 के इसमें फ्रंट टायर हैं, बिल्कुल नए वाले। ये आप इसका राइट साइड से इसका व्यू देख रहे हैं, 2018 मॉडल ट्रैक्टर है ये और 5,85,000 इस पर कीमत की गई है। इस साइड से भी आप इसका व्यू देख सकते हैं। तीन सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है और 55 से 60 HP की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। और ये आप इसके प्लेटफॉर्म का व्यू देख लीजिए, रियर वाले जो टायर हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, एकदम ओके हैं, वो भी आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और यदि हम इसके बात करें एक सामने से फुल व्यू की, तो आप सामने से भी इसका जो व्यू है वो देख सकते हैं, 2018 मॉडल है, 5,85,000 इस पर कीमत की गई है, हरियाणा नंबर ट्रैक्टर है ये। ये यहाँ पे आप इसकी रेटर मॉडल को देख सकते हैं। और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको अर्जुन नोवो 605 DI देखने को मिलता है, जो 2019 मॉडल है और 6,50,000 इसकी कीमत की गई है। आप सामने से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं, हरियाणा नंबर है ये भी। यदि आते हैं इसके फ्रंट टायर की तरफ, तो फ्रंट टायर की जो कंडीशन है एकदम ओके है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन, बिल्कुल नए वाले फ्रंट टायर हैं, 750/16 के हैं। और प्लेटफॉर्म भी एकदम अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है। रियर टायर की कंडीशन भी फ्रंट की जैसे ही बेहतर है, बढ़िया वाली है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है वैसे। और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको सोनाली का DI 750 3rd देखने को मिलता है, जो 2017 मॉडल है और 4,75,000 इसकी कीमत की गई है। आप सामने से इसका एक व्यू देख सकते हैं। और साइड व्यू की हम बात करें तो आप इसका साइड व्यू देख लीजिए, लेफ्ट साइड से। चार सिलेंडर में है ये ट्रैक्टर, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यदि हम बात करें इसके रियर टायर की, तो रियर टायर की कंडीशन भी एकदम बेहतर है, बिल्कुल अच्छी वाली कंडीशन है, 80% के आसपास है। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप इसका यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यदि बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर की भी कंडीशन 750/16 के हैं, कंडीशन भी एकदम बिल्कुल अच्छी, काफ़ी अच्छी है। और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1 555 DI देखने को मिलता है, जो 2017 मॉडल ट्रैक्टर है और 4,85,000 इसकी कीमत की गई है। सामने से यदि हम व्यू की बात करें तो आप सामने से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं, या एक लुक आप इसकी चेक कर सकते हैं। यदि लेफ्ट साइड से व्यू की हम बात करते हैं तो आप इसका एक साइड व्यू भी देख लीजिए, 6/16 के इसमें फ्रंट टायर है, ये आप देख लीजिए। और यदि हम आते हैं इसके प्लेटफॉर्म की तरफ, तो प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और रियर टायर की जो कंडीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है।
और यदि हम बात करें मंडी के एक व्यू की या मार्केट के एक व्यू की, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो ट्रैक्टर आपने अभी देखे, और इस साइड भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, और ये वही रो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।